हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस अंसारी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं UPTLET BTC एडमिशन 2020 के बारे में, इसके साथ साथ UPTT एग्ज़ाम 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ VED DLED इसके साथ साथ स्कॉलरशिप से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, DLED प्रवेश परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है। यहाँ पर ये प्रक्रिया है, यानी कि DLED प्रवेश प्रक्रिया के लिए परीक्षा नहीं होती है। यहाँ पर DLED की केवल प्रवेश प्रक्रिया होगी जो कि अगस्त में होगी। इसके साथ ही UPTET एग्ज़ाम देने वाली स्टूडेंट्स की वीडियो मंथ तक बने रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉकडाउन की वजह TET 2020 और DLED 2020 टलती जा रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से विश्वविद्यालय खुल नहीं रहे हैं, जिससे कि छात्र छात्राएं आकर प्रवेश लें या जो पास हो चुके हैं वे दूसरे संस्थान में प्रवेश ले सकें। ऐसे में TET 2020 की जो परीक्षा है और DLED 2020 में जो प्रवेश प्रक्रिया है, आप यहां पर देख सकते होंगे यही प्रवेश प्रक्रिया ऊपर होगी, ठीक है। DLED 2020 की प्रवेश प्रक्रिया और TET एग्जाम 2020 की जो परीक्षा है वो 15 अगस्त के बाद शुरू होने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स भी यहां पर UPTLET 2020 में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर UPTT एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए सारी प्रक्रियाएं और जो एडमिशन है ये यहां पर 15 अगस्त के बाद ही स्टार्ट हो पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।